हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम रिटेल 9th क्लास की रिटेल का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है आपकी बुक, उसका फर्स्ट यूनिट हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम उसका टॉपिक कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसको बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं। बहुत से तत्व संवाद में बैरियर का, रुकावट का काम करते हैं। बहुत सी रुकावटें हमारी बातचीत में आ सकती हैं। तो कौन कौन सी रुकावटें हैं? पहला है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। भाषा भी एक रुकावट का काम कर सकती है। कैसे? जैसे कि मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, आपको सिर्फ हिंदी भाषा आती है और सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो क्या आप उससे बात कर पाओगे? आप कितनी भी कोशिश करो, आप आसानी से उसको अपनी बात नहीं समझा पाओगे। तो लैंग्वेज भी एक तरह का बैरियर है, एक रुकावट है, कोई एक तत्व है जो कि हमारे संवाद को प्रभावित करता है। अगर हम गलत भाषा बोलते हैं या कोई ऐसी भाषा है जो सामने वाले व्यक्ति को आती ही नहीं है, तो हम अपनी बात आसानी से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है विजुअल परसेप्शन, यानी कि दृश्य बोध। विजुअल परसेप्शन या दृश्य बोध क्या होती है? कि हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं उसका मतलब निकालना। हम कई बार क्या करते हैं कि कोई पिक्चर है, कोई व्यक्ति है, हम उसको आंखों से देखते हैं कि वो ये कर रहा है कुछ काम, लेकिन हम उसका कुछ अलग मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन सच कुछ और भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि हर आंखों से देखी चीज सही होती है, जो हम सोचते हैं वो सही है। तो ये हमारी खुद की परसेप्शन, खुद की सोच है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पर ये सही भी हो सकती है हमारी सोच और नहीं भी हो सकता है। हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो और सामने वाला व्यक्ति कुछ और करने की या कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हो। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पिछले अनुभव। हमारे पिछले अनुभव भी हमारे संवाद को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक दुकानदार है, एक रिटेलर है, जिससे हमने दो बार वस्तुएं खरीदी, दोनों बार से ही खराब निकली, तो हमारा पिछला अनुभव कहता है कि वो सच नहीं बोलता, वो खराब है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार वो सही भी हो, है ना। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारे लिए क्या होते हैं? एक रुकावट का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजुडाइज, यानी कि पक्षपात। हम क्या करते हैं कई बारी कि हम एक फिक्स आइडिया बना लेते हैं, एक दिमाग में पक्षपात वाला एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति है, वो ये सोच लेता है कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता, क्लास में कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे कुछ नहीं आता। तो हम अपने आप से ही दिमाग में एक सोच बना लेते हैं, एक प्रिजुडाइज क्रिएट कर लेते हैं, एक पक्षपात वाला जो पक्षपात की सोच है वो बना लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें कोई प्यार नहीं करता, तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी समझाता रहे तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा। नेक्स्ट है फीलिंग्स, यानी कि भावनाएं। हमारी फीलिंग्स क्या है, हम क्या सोचते हैं? जैसे कि बहुत बार क्या होता है, अगर हम परेशान हैं, हमें किसी बात से गुस्सा है या परेशानी है या उदासी है, तो हम किसी अन्य व्यक्ति से बात करना भी नहीं चाहते। तो हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं भी एक रुकावट का काम करती हैं। जैसे कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद है एनवायरमेंट या वातावरण। बातचीत करने का वातावरण कैसा है? आप जिस वातावरण में संवाद कर रहे हैं, जिस वातावरण में आप बात कर रहे हैं, वहां पे अगर शोर है, लाइटों की उचित व्यवस्था नहीं है, कुछ भी सही तरीके से नहीं है, बैठने की सही व्यवस्था नहीं है, तो बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, पीछे से इतना शोर है कि आप मेरी आवाज सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो मेरे बोलने का कोई भी असर नहीं होगा। तो ये भी क्या होता है, एक तत्व होता है हमारे संवाद को प्रभावित करने का। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर, यानी कि व्यक्तिगत कारक। एक व्यक्ति की खुद की सोच, उसका खुद का बिहेवियर, वो भी एक फैक्टर है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, मैं
क्लास में किसी बच्चे को बोलती हूँ किसी विषय पर बोलने के लिए, किसी बात पर बोलने के लिए, और वो व्यक्ति बोलने से घबराता है, बच्चा बोलने से डरता है, बात ही नहीं कर पाता, तो ये क्या हो गया? उसका पर्सनल फैक्टर्स, उसको सब पता है, उसे आता है, लेकिन उसके अंदर डर है, एक शर्म लगा लो कि कुछ परेशानी है कि वो नहीं बोल पाता है। नेक्स्ट, कल्चर, संस्कृति। हमारी बातचीत को हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति भी प्रभावित करती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़ों को अशुभ माना जाता है, किसी की मौत पर पहने जाते हैं, लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पर शादी पे ही वाइट ड्रेस, सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। अब ऐसे थम है, अब किसी के लिए ये थम एक गुड मतलब अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकता है कि गुड जॉब, कीप इट अप, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि उसने मुझे अंगूठा दिखाया। तो ये अपना अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सोच है, और उसी के हिसाब से हम अपने मतलब निकाल लेते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं। भाषा, दृश्यबोध, यानी कि हम क्या देखते हैं उसके हिसाब से अपने आप से मीनिंग निकाल लेते हैं। वास्तव में बात कुछ और भी हो सकती है। पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभव के आधार पर हम अपनी सोच बना लेते हैं। प्रेजुडाइज, पक्षपात, कि हमें कोई पसंद नहीं करता, कोई हमसे प्यार नहीं करता, हमारे परिवार को किसी को हमारी फिक्र नहीं है। फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं बात नहीं करूँगा। एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण, शोर है, लाइट कम है, गर्मी है, अधिक सर्दी है, तो वो भी हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स, व्यक्तिगत कारक, कि व्यक्ति की खुद की सोच कैसी है, व्यक्ति किसी से बात करना चाहता है या नहीं चाहता, उसमें कोई डर है, कोई परेशानी है, या फिर हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो हमारे संवाद को, कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।